बढ़िया थी बढ़िया था। अगर बात करें तो सब मतलब वॉयलेंस वगैरह था, जो स्टोरी लाइन अप थी वो सब अच्छा था, और बाकी साउंड म्यूजिक जो भी था, स्क्रीन प्ले डीओपी सब अच्छा था, बढ़िया था। प्रभास और पृथ्वीराज कैसे लगे दोस्ती? बढ़िया था सब अच्छा था। भारी लगे प्रभास ऑफ कोर्स। क्या डंकी चलता है? क्या लगा सलार? पता नहीं अभी सलार डंकी तो देखा नहीं, पर सलार देखा है तो सलार से मतलब सलार तो बढ़िया है। क्या रेटिंग? 5 out of 4। सलार देखा, कैसी लगी मूवी आपको? अच्छा था काफ़ी, मतलब एक्शन था काफ़ी अच्छा उसका, और पूरा जो ड्रामा मतलब एक्शन मूवी दिखाया पूरा उसमें स्टार्ट टू एंड, मतलब थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, पार्ट टू आएगा तो और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। दोनों की दोस्ती कैसी लगी, पृथ्वीराज प्रभास की आपको? हाँ उनका दोस्ती मतलब थोड़ा गहरा था, मतलब दिखाया कि बॉन्डिंग उन लोग का अच्छा रहता है। वैसे रियल लाइफ में भी होता है कि हम लोग कि मतलब जैसे दोस्त के दोस्त साथ देते एक दूसरे को, तो मतलब ऐसा दिखाया है बॉन्डिंग। एक्शन सीन्स कैसे लगे आपको? एक्शन परफेक्ट था, मतलब जैसे साउथ का मूवी तो जो टीवी में मूवी रहता है उनका तो परफेक्ट ही रहता है, साउथ इंडियन का मजा आया एकदम मस्त। डंकी चल पाएगी सलार के सामने? क्या लगता है आपको डंकी? जब देखा नहीं तो पता नहीं सकता हूँ मैं अभी कैसा मूवी, क्योंकि स्टोरी दिखाएगा तो भी चल सकता है और नहीं भी चल सकता है। फाइमस से 4, क्योंकि पूरा मूवी अभी तक आया नहीं है, कि पहला पार्ट ही दिखाया, सेकंड में लड़ाई दिखाया नहीं, और दोनों के बीच में भी आगे जैसे उनका लड़ाई दिखाने का बाकी है, तो फिर वो भी इस पर मैं जज कर सकती कि कैसा मूवी हो सकता है। थैंक यू। मूवी सलाद ठीक ठाक थी? कैसी लगी मूवी आपको? ठीक ठाक थी। क्या ठीक ठाक लगा बाकी? अच्छी क्या अच्छी मूवी? प्रभास की एंट्री अच्छी लगी, और क्या। पृथ्वीराज दोनों की दोस्ती कैसी थी? सही थी, अभी लगता है दुश्मनी होगी। और एक्शन सीन्स कैसे थे प्रभास के? अरे सुपर, साउथ का सुपर हीरो। चलता कम बैक होगा, बहुत सारी मूवी फॉलो हो गई थी इससे पहले, 2-3 मूवी फॉलो हुई थी अभी। हाँ दो हुई थी ना, अभी सुपर हिट है भाई, आउट ऑफ 5। सर माइंड ब्लोइंग ब्लॉकबस्टर एकदम, जैसा कि मैंने पहले बोला था ये पिक्चर है ना कुछ अलग लेके आएंगी, और वो अलग ही लेके आई। लोग ने क्या कर रहे थे, KGF से कंपेयर कर रहे थे, KGF अलग है ये अलग है। मैंने पहले बोला था वो बहुत शार्प माइंडेड डायरेक्टर है, वो राजू हिरानी भी कुछ नहीं है उसके सामने। मैं बोल रहा ना तुम्हारे को भाई, वो मेरे स्टेट से बिलोंग करता, मेरे को मालूम है उसकी हिस्ट्री। 2014 में उसकी फर्स्ट पिक्चर आई थी उग्रम, मास्टरपीस थी। फिर KGF 1, KGF 2, अब सलार, फिर सलार 2, फिर भगीरा आएंगी। मास्टरपीस डायरेक्टर है, मैं बोल के थक गया रिव्यू में सबको, क्या ये डायरेक्टर से पंगा मत लो, लेकिन फिर भी नहीं, इनका राजकुमार हिरानी आने वाला था, आ गया फ्लॉप दे के चले गया। क्या कहोगे एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में? एक्शन सीक्वेंसेस तो अच्छा है, बहुत अच्छा है एक्शन सीक्वेंस। मेरे को तो बाहुबली 2 याद आ गई, मतलब बाहुबली 2 के टाइम पे जो क्रेज था ना, वो क्रेज याद आ गया मेरे को, क्या भाई प्रभास इज बैक, बोल गए रेबेल स्टार, रेबेल स्टार प्रभास गारू लव यू। सुकुमार के बारे में क्या कहोगे? पृथ्वीराज सुकुमार वो भी अच्छे है अपनी जगह पे, कॉम्बो अच्छा लगा दोनों का, पैसा वसूल फिल्म है ये। पिक्चर की अगर टिकट 1000 रुपये भी होती ना, तब भी मैं खरीद के देखता। मैं पागलपन 2 साल से हुई है पिक्चर के लिए, KGF के बाद इसका अनाउंसमेंट हुआ था, मैं जब कर्नाटक में था तो वहाँ पहले मालूम पड़ता है हमारे को कौन सी पिक्चर आने वाली है, तो जब से इसका एक्साइटमेंट है मेरे को। किंग खान, डंकी, राजकुमार हिरानी, ये बकने से कुछ नहीं होएगा, करके दिखाओ। मैं बोल के थक गया हूँ, कुछ भी करो लेकिन साउथ की फिल्मों से पंगा मत लो, खास करके प्रशांत नील से। प्रशांत नील तो मतलब मैं बोलूँ ना भाई, आज के टाइम पे मेरा कोई डायरेक्टर फेवरेट नहीं था, लेकिन प्रशांत नील का मैं फैन बन गया आज। उनके लिए तो भाई सलाम है सलाम, सलाम ठोकते भाई, सलाम ठोकते। जैसा क्या मेरा फेवरेट है यश, उसको तो हम लोग ने झुक के सलाम करे थे। यश को मिस की नहीं मुझे? अरे बहुत मिस करा उनका, जब नाम आया था ना तो सिटी पे सिटी मारा मैं तो, मेरा तो मुंह दुख गया उनकी, मजा आ गया नाम पे। सोचो लगता है कोई स्टार है बोल के, अरे भाई इतना बड़ा तुम्हारा किंग खान है, कौन से स्क्रीन पर आज तक दिखाया उसको किंग खान बोल के? तुम अपने मुंह से बक रहे, तुम अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे, फालतू तारीफ कर रहे हो फालतू में, अच्छा नहीं लगता है सब भाई। इसको तो भाई इसको भी यूनिवर्स दूंगा मैं, जैसा KGF को यूनिवर्स दिया था, इसको भी यूनिवर्स दूंगा मैं। आज मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें ना कुछ लुखे अनपढ़ गवार फैंस है शाहरुख खान के, वो लोग को इतनी जलन हो रही थी ना कि उनकी जलन शक्ल पे दिख रही थी, और वो लोग डायरेक्ट ये अपील कर रहे थे क्या, मतलब जाके पिक्चर मत देखो सलार, डायरेक्ट अपील कर रहे थे। अब इनडायरेक्टली कोई भी अपील करेगा भाई तो उसका मतलब तो यही है ना, क्या तुम्हारे को अंदर से जलन फील हो रही है, लेकिन हम लोग को कुछ जलन फील नहीं है, पब्लिक इज द किंग, किंग यानी पब्लिक, उसको जो पसंद है वो लोग जाएंगी जाएंगी, किसी के बोलने से कोई नहीं रुकता है। चलिए थैंक यू सो मच।